भाग्यनगर गणेश उत्सव के अवसर पर गवलीगुड़ा क्षेत्र में श्रीनाथ ज्योतिषालय में आज हवन कार्यक्रम किया गया। इस विषय पे पूछ के पता करने की कोशिश करेंगे कि हवन का मुख्य उद्देश्य क्या था। महाराज बताइए, आज हवन और यज्ञ का कार्यक्रम जो आपने संपूर्ण किया है गवलीगुड़ा क्षेत्र और आपके कार्यालय सामने, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था हवन का? गणेश नवरात्रि जैसे साल में दो नवरात्र आती है, आषाढ़ नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, उसी तरह गणेश नवरात्रि कहते हैं जब चतुर्थी को गजानन जी स्थापित होकर के अनंत चतुर्दशी को विसर्जित होते हैं। गणेश पुराण आदि पुराणों में ऐसा वर्णन है कि गणेश जी जब बैठते हैं तो उसके 10 दिन तक उनके अंदर इतनी शक्ति वैसे तो साल भर रहती है, पर इन 10 दिनों में वो अपने भक्तों को हर घर में, हर पंडाल में, सड़क पर, चौराहे पर आकर के विराजते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सोचा क्यों ना गणेश जी को मना करके आज विश्व का कल्याण, क्योंकि हमारी संस्कृति वही कहती है सर्वे भवन्तु सुखिना, उसी बात को ध्यान में रख करके गणेश जी का सहस्त्र मोदक हवन किया गया, जहां 1000 मोदक के लड्डू गणेश जी को अर्पित किए गए। फिर दुर्वाचन हुआ, गणेश जी का सबसे प्रिय, आप देख रहे हैं यह दुर्वा है माला के रूप में, यह गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय है, यह उनको अर्पित किया गया। फिर सहस्त्र लाजा हवन किया गया, खिलिया हम जिसको बोलते हैं सफ़ेद, वो अर्पित किया गया। गणेश जी का तर्पण हुआ, ये हुए और इस तरह अंत में गणेश जी का विशेष आहुतिया, विशेष सूक्त, अथर्वशीष। आज प्रातः पूजा प्रारंभ होने से पहले गणेश जी के 1008 अथर्वशीष के पाठ हुए। ये सब करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा हम जिस संस्कृति से आते हैं, हम ये कहते हैं कि सब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो हमारा विश्व सकुशल रहे, भारत हमारा सनातन धर्म, हमारा समाज सकुशल रहे और हम जल्द से ये जो कोरोना महामारी आई है उससे बाहर निकले, इन्हीं भावनाओं के साथ आज ये सुंदर सा पूजन आयोजन किया गया। और ये विश्व का जो कल्याण, जैसे एक तरफ आतंकी हमले की साजिश और कोरोना महामारी, तेलंगाना राज्य में हिंदुओं के ऊपर एक पक्ष की राजनीति करना कहाँ तक सही है? शास्त्र ये कहता है राजनीति में धर्म का अंकुश होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब धर्म में राजनीति का प्रवेश होता है तो फिर महाभारत होती है। सनातन धर्म वैसे तो हमारा आदि धर्म है, जब यह संसार, भगवान नारायण ने संसार को बनाया तब हमारा सनातन धर्म ही था और अंत में जब प्रलय होगा तभी भी सनातन धर्म ही रहेगा। बीच में बाकी धर्म आते हैं, जैसे हैदराबाद से निकलते हैं दिल्ली जग जाते हैं, एक यात्री का पूरा टिकट होता है, बाकी कई लोग बीच में आते हैं, मिलते हैं, उतरते हैं, चढ़ते जाते हैं। उसी तरह अन्य जितने भी धर्मावली हैं ये मिलेंगे, आएंगे, जाएंगे, लेकिन अंत में केवल हमारा सनातन धर्म ही रहेगा। और भगवान गणेश भी ये जितने संकट आए हैं, चाहे आतंकवादी हो, हमले हो, या किसी भी कोरोना महामारी हो, इन सबको दूर करने की, इन सबको मिटाने की शक्ति गणपति पप्पा में है। तो आज विशेष करके वही प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये जो महामारी आई है, हमारे धर्म पर जो समय समय पर संकट आते हैं, इनको आप ऐसी कृपा करना कि अब यहाँ से हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहे और सारे वसुदेव कुटुंबकम की भावना को जो हम रखते हैं उसको हम और अच्छी तरह से चिरंजीव कर सके, यही कामना। सुने ना, विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ और महायज्ञ का कार्यक्रम किया गया भाग्यनगर के क्षेत्र गवलीगुड़ा में श्रीनाथ ज्योतिषालय कार्यालय में। आपने सुना है गजानन कृष्ण महाराज ने विश्व कल्याण के लिए यज्ञ किया जाने का मुख्य उद्देश्य, उन्होंने कह रहे हैं। कैमरामैन देव के साथ क्रांति, भाग्यनगर, हैदराबाद।